सोने की माटी, धरती हमने कभी न बांटी, धरती हमने कभी न बांटी, भारत है सोने की माटी, भारत है सोने की माटी। अरे वाह मुन्नु, आज तो कविता पढ़ रहे हो और वो भी गा गा कर। हाँ दीदी, बड़ी अच्छी कविता है पर्वतों के बारे में। देखो इस पत्रिका में छपी है। अच्छा जरा मैं भी देखूं कैसी कविता है। हाँ कविता तो अच्छी है, लेकिन इसमें पर्वतों की पूरी बात तो आई ही नहीं। दीदी बताओ ना, और क्या क्या बातें हैं पर्वतों की। देखो भाई, हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा और विशाल पर्वत है। पहले इसी हिमालय की बातें तुम्हें बताते हैं। हिमालय का जन्म समुद्र से हुआ है, तो आओ हिमालय के जन्म की कहानी समुद्र से ही सुनते हैं। सुन लो बच्चों मेरी बात, सुन लो बच्चों मेरी बात, मैं हूं तेथिस समंदर। बहुत पुरानी बात है, हिमालय था मेरे अंदर, मैं हूं तेथिस समंदर। धीरे धीरे चट्टाने ऊपर को जब आई, धीरे धीरे चट्टाने ऊपर को जब आई, लाखों वर्षों में चट्टाने हिमालय बन पाई। धीरे धीरे चट्टाने ऊपर को जब आई, लाखों वर्षों में चट्टाने हिमालय बन पाई। सुन लो बच्चों मेरी बात, मैं हूँ तेथिस समंदर, मैं हूँ तेथिस समंदर, मैं हूँ तेथिस समंदर, मैं हूँ तेथिस समंदर। दोस्तों बहुत पहले हिमालय पर्वत मेरे ही गर्भ में था। मेरा नाम था तेथिस समुद्र। मैं इतना गहरा नहीं था कि हिमालय को देर तक अपने भीतर समेटे रखता, इसलिए धीरे धीरे हिमालय की ये चट्टाने अपना मुंह ऊपर किए उठती गई। लाखों वर्ष तक ऐसा होता रहा। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों ने पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त कर ली। फिर उन हिमालय की चोटियों से बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में जमीन पर उतरती गई। भारत के विशाल मैदान बनते चले गए। मैं ज्यों ज्यों पीछे हटता गया, कहीं पहाड़ कहीं मैदान दिखाई देने लगे। बच्चों, समुद्र ने तो हिमालय के जन्म की कहानी कह ली, लेकिन समुद्र ने हिमालय पर्वत के बारे में उतनी ही बात कही जितना कि समुद्र के साथ हिमालय पर्वत का संबंध था। तो दीदी इससे आगे की कहानी क्या है। हाँ हाँ दीदी, आगे की कहानी सुनाओ ना। तो सुनो हिमालय की कहानी हिमालय के मुख से। मैं हिमालय बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए, मैं पहरेदार की तरह भारत की रक्षा के लिए खड़ा। मेरे पश्चिम में सिंधु और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। तुम मुझे सारा एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि मेरी लंबी भुजाएं पूरे उत्तरी भारत में फैली हैं। मैंने सारे देश को एक परिवार बना दिया है। मेरी ऊंचाइयों को लांग कर विदेशी भारत नहीं आ सकते थे, इसीलिए हजारों सालों तक सारे देश में लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, खेती करने के ढंग एक से बने रहे। सारे देश में एक जैसे त्योहार मनाए जाते रहे। इसी से भारत एक सूत्र में बंधा रहा है, और ये सब हुआ मेरे कारण।
मैंने विदेशियों को यहाँ आने से रोका। मैं हूँ भारत माँ का मुकुट बनकर प्रहरी खड़ा हुआ, हिम के सुंदर मोतियों से मेरा तन है जड़ा हुआ। इस देश की एकता को मैंने दिया बढ़ावा, अब तक बिना भेद के पहुंचाऊंगा अपनी नदियों का जल सब तक। मैं तो सबको दूंगा ही खनिज लवण फूल और फल, लेकिन प्रयोग करो तुम इनका भारतवासी सब मिलकर। मैं हूँ भारत माँ का मुकुट बनकर प्रहरी खड़ा हुआ, हिम के सुंदर मोतियों से मेरा तन है जड़ा हुआ, मेरा तन है जड़ा हुआ। मैं भारत माँ का मुकुट, नदियां मेरे पांव पखारती, कल कल छल छल करती हुई गीत गाती हैं। ये मेरी बेटियां बड़े बड़े मैदानों में जाकर अठखेलियां करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छा लगता है। बताऊं कैसे गाती हैं वो? ऊंचा पर्वत नीचा पर्वत चलो दौड़ कर जाए नीचे, आखिले आखिर जोनी मुझे पकड़ तू आके नीचे, रेरे कहाँ चली तू आना, रेरे कहाँ चली तू आना, आ दूर दूर है जाना, आचल आचल प्यासी धरती, आ प्यासी धरती नीचे, ऊंचा पर्वत नीचा पर्वत चलो दौड़ कर जाए नीचे, आखिले आंख बिचोनी मुझे पकड़ तू आके नीचे, रीरे कहाँ चली तू आना, रीरे कहाँ चली तू आना, आ दूर दूर रह जाना, आचल आचल प्यासी धरती, आ प्यासी धरती सीछे, ऊंचा पर्वत नीचा पर्वत ऊंचा पर्वत नीचा पर्वत। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा तुम्हें ये गीत? लेकिन क्या तुम जानते हो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सबको मैं दिशा में भेजने के लिए कितने प्रयत्न करता हूं? ये भटक न जाएं इसलिए उन्हें रास्ता बताता हूं। अगर ये नदियां मनमानी करने लगें, सभी एक ही दिशा में बढ़ने लगे, तो उनके रास्ते में चट्टान बनकर उन्हें अपने आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करता हूं। गंगा और ब्रह्मपुत्र लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने निचले मार्ग से एक दूसरे से मिलती हैं। किसने कितना काम किया, किस प्रदेश के लोग कैसे हैं, सारा हाल एक दूसरे को बताती है। फिर जहां की मिट्टी ने उन्हें जो भी उपहार दिया, उस सब को एक जगह ढेर में इकट्ठा करके रख देती है। जानते हो ये उपहार क्या है? ये ढेर वही अवसाद है जो वे जगह जगह से बटोर कर लाई थी। समुद्र में मिलने से पहले इस अवसाद का ढेर इतना बड़ा होता है कि नदियों को कई शाखाओं में बांट देता है और वो बन जाता है डेल्टा प्रदेश।
हाँ, मैं ही तो हूँ तीर्थ धाम बद्रीनाथ केदारनाथ। अच्छा मुन्नु टुन्नु, तुमने विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत देखे हैं? नहीं दीदी, वे तो हमने नहीं देखे। मैंने भी नहीं देखे। तो आओ अब तुम्हें विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में बताएं। मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्याचल है। मालवा पठार की आकृति त्रिभुज की तरह है। विंध्याचल के दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियां देखी होंगी तुमने। बताओ ना, देखी है? वहां जाकर नहीं, भारत के नक्शे में तो देखी होंगी ना। अच्छा पहले ये बताओ, तुम दोनों ने कोई पहाड़ देखा है? किसी पहाड़ पर गए हो तुम लोग? हाँ दीदी, हम हर छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। हाँ दीदी, मैं भी गई थी पहाड़ पर। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे कि डर लगता था। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे तुम? हाँ मन्नू, तुम बताओ। दीदी, हम गए थे कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के गांव में। दिसंबर से मार्च तक वहां आसमान से बर्फ के सफेद फूल झड़ते हैं। वहां के लोग भेड़ बकरियों के रेवड़ लेकर कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर की निचली पहाड़ियों में आ पहुंचते हैं। वे लोग तो जैसे पूरी गृहस्थी अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते हैं। दो तीन खाल के थैले, दो तीन पतीले, एक आध ढक्कन थाली, लोहे के तसले जिसमें ये रोटी चूर चूर करके खाते हैं, परात भी मसाला, तंबाकू, कुछ जड़ी बूटियां, दराती, हुक्का, अपना अपना माल संभाल कर ये लोग डेरा डालते हैं। अपनी भेड़ बकरियों की व्यवस्था भी खुद ही करते हैं। दीदी, क्या ये सब चीजें पहाड़ों में उगती और पैदा होती हैं? हाँ, पहाड़ों में इनके अलावा कितनी और चीजें पैदा होती हैं। यहाँ पर अनेक तरह के पेड़ पौधे हैं, या यूं कहें कि सभी उपयोगी झाड़, उपयोगी फल इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहाँ पर आदिवासी रहते हैं। मध्य प्रदेश में बस्तर में गोंडा बैगा जातियों के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। और सुनो, यहाँ आंवला, हरड़, बहेड़ा इन इलाकों में बेहद मिलता है। पहाड़ों पर तुमने खेत देखे होंगे, इन्हें ऐसे सीढ़ीदार ही बनाना पड़ता है। भाई, इसका कारण ये है कि यहाँ की भूमि समतल नहीं है। दीदी, पूर्वाचल पूर्व के पर्वतों में नागा की पहाड़ियों, मध्य की गारो, खासी और जयंतिया तथा दक्षिण की मिजो पहाड़ियाँ हैं। और फिर कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ भी कितनी मशहूर हैं। ये सब घाटियाँ फलों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। इन पर्वतों को पार करने के लिए सुगम प्राकृतिक रास्ते बने हुए हैं। ऐसे स्थानों को पर्वतों में जानते हो क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दर्रा। दीदी, हमने कैनियन के बारे में भी सुना है, ये क्या होता है? ये एक तरह की गहरी घाटी होती है। इसमें नदी के दोनों किनारे खड़ी दीवार की तरह होते हैं। कहते हैं ये नदियां जो कैनियन बनाती हैं, हिमालय से भी पुरानी हैं, हिमालय से भी प्राचीन कहते हैं इन्हें। जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, ये नदियां घाटियों को खोद खोद कर गहरा करने में लगी हुई थी। वाह वाह, क्या मजेदार बात है। दर्रा, घाटी, कैनियन सब पर्वत की देन है। दीदी, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ दीदी, पर्वतों की इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद पता लगा कि पर्वत तो पूरे देश में फैले हुए हैं। हाँ, इस तरह पर्वत ने सारे देश को एक बनाए रखने में बड़ी मदद की है। भारत है सोने की माटी, भारत है सोने की माटी, धरती हमने कभी न बांटी, धरती हमने कभी न बांटी, भारत है सोने की माटी, भारत है सोने की